हर घर नल का जल पहुंचाना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सबसे प्यारा सपना है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सीएम के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को घोटालेबाज चूना लगा रहे हैं। हर घर नल के जल योजना में गड़बड़ी का ताजा मामला, मोकामा प्रखंड के दरियापुर पंचायत के वार्ड नंबर 9 में लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। वहीं वाटर टावर पर रखी टंकियां उनका मुंह चढ़ा रही हैं। हर घर नल योजना के तहत लगाई गई टंकी गांव में सफेद हाथी की तरह खड़ा है। बताया जा रहा है कि पिछली बार टंकी में पानी के भरते ही पूरा स्ट्रक्चर ही धराशाही हो गया था। वहीं गांव के लोगों ने घटिया काम की शिकायत की है। भ्रष्टाचार की वजह से दरियापुर पंचायत के वार्ड नंबर 9 में किसी भी घर में नल का जल नहीं आ रहा है। वहीं गांव की महिलाओं का कहना है कि कई दिनों से नल में पानी का एक बूंद तक नहीं आता है। साफ कहिए, ऐसे बोलिए, नीचे पतर वाला बात नहीं। और हम लोग के कल है तो चला ले, जकरा कल नहीं है जक की बोर मिल से पानी लग दे, कहां से पानी ले। वहीं लोगों के गुस्से को देखकर ठेकेदार क्रेन से वाटर टावर को ठीक करने की कोशिश में लगा है। बताया जा रहा है कि मोकामा और घोसवारी प्रखंड में ये योजना पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। पंचायती राज और पीएचडी विभाग मिलकर इस योजना को सही तरीके से लागू नहीं करवा पाई है। हालांकि आम जनता में इस योजना के फेल होने से भारी नाराजगी का माहौल देखा जा रहा है। पंचायत 9 नंबर वार्ड में जो है पानी कनेक्शन का जो है टंकी है, उसमें जो है कि एक टंकी में पानी भराया, उसके बाद जो है कि ध्वस्त हो गया जो है। उसके बाद कई घर में पानी का कनेक्शन भी नहीं हुआ है। कल हुआ क्या था? कल जो है पानी जो है इसमें टंकी में भराया, पानी भरने के समय में जो है कि टंकी ध्वस्त हो गया जो है, टावर का बेस जो है कि गिर गया। अमूमन हर सरकारी योजना के साथ यही समस्या आती है। सरकारी दस्तावेज पर इन योजनाओं को बढ़ा चढ़ाकर बखान किया जाता है, लेकिन जमीन पर इस तरह की योजनाएं सरकार और प्रशासन की विफलता की कहानी कहती हैं। हर घर नल का जल भले ही सरकारी दस्तावेजों में सफल योजना हो, लेकिन मोकामा के गांव में इस योजना की नाकामी साफ नजर आती है। हो सकता है कि लोगों के विरोध को देखते हुए जाँच करवाई जाए, लेकिन ये सबको पता है कि जाँच के नाम पर पूरे मामले की लिपापोती कर दी जाएगी। सरकार अगर ऐसी योजनाओं को सफल करना चाहती है तो सोशल ऑडिटिंग मॉडल को अपनाना चाहिए। इससे सरकारी योजनाओं में सामाजिक भागीदारी से भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए मोकामा से संजीव कुमार की रिपोर्ट।